राष्ट्रीय महामार्ग 53 नागपुर भंडारा मार्ग का 10 साल पूर्व सौंदर्यीकरण हुआ है। इस मार्ग पर जगह पुलिया बनाए गए, लेकिन मौदा टी पॉइंट पर पुलिया बनाने की मांग नागरिकों ने कई दिनों से की है। पुलिया बनाने की मांग को लेकर कई बार राजकीय और सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किए गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनदेखी की गई। इस मार्ग पर वाहनों का भारी संख्या में तेज रफ्तार से आवागमन शुरू रहता है। इस टी पॉइंट के बाजू में परमात्मा आश्रम यह धार्मिक स्थल है, जहाँ शनिवार यात्रा होती है। इस यात्रा के लिए हजारों भक्तगण आश्रम में आते हैं। इन भक्तों को महामार्ग पार करके आश्रम में जाना पड़ता है। इस जगह पर कई बार दुर्घटनाएं हुई है। इस जगह जल्द से जल्द पुलिया बनाने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता नरेश भोटकरी और परमात्मा आश्रम में आने वाले हजारों भक्तगणों ने की है, अन्यथा शांततापूर्ण आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 10 वर्षापूर्वी नेशनल हाईवे 53 चं काम दुपदरीचं झालं आणि त्या काळामध्ये अनेक ठिकाणी मोठे मोठे उड्डाण पूल बनवण्यात आले। नागपूरपासून जर निघाले तर आपण वडोद्याला बघा, गुमथडा, त्यानंतर असे अनेक ठिकाणी उड्डाण पूल बनवण्यात आले, जेणेकरून ज्या ठिकाणी गरज नसतानी त्या ठिकाणी लाखनी साकोली या साईडला तयार झाले। परंतु अत्यंत वर्दळीचा असणारा मौदा टी पॉइंट रबडीवाला या ठिकाणी फार त्या उड्डाणपुलाची गरज होती आणि त्या रबडीवाला टी पॉइंटच्या बाजूला परमात्मा एक सेवक आश्रम असल्यामुळे अनेक भाविक त्या ठिकाणी येतात। दर शनिवारी मोठ्या प्रमाणामध्ये भाविकांची गर्दी राहते आणि 26 जानेवारीला तर जवळपास 6-7 लाख लोक त्या ठिकाणी येतात। अनेक नेते सुद्धा त्या ठिकाणी येत असतात आणि असं हे विदर्भातलं नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बाबा जमदेवीच्या श्रद्धेचं स्थान असणारं मौदा पावडदवना हे स्थळ आहे। या ठिकाणी दर शनिवारी हजारोच्या संख्येने मुलं बाळं घेऊन लोक येतात। BCN न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट।